नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर सुपरटेट वैकेंसी के बारे में तमाम सारी चीजें आप लोगों ने देखी अभी हाल ही में, और उससे निराशा भी हुई, मुझे भी हुई, और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कितनी निराशा हुई होगी। और इससे रिलेटेड मेरे पास कई सारे मैसेज आए कि सर इस चीज पे जो है एक बार कुछ बताइए। और देखिए काफी सारे लोगों का कहना ये था कि क्या अब सुपरटेट की तैयारी हम लोग बंद कर दें, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब तक आएगी, इन सब चीजों पर बहुत सारे मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं। इसीलिए ये वीडियो आपको दी जा रही है। इस वीडियो में कोई भी, देखिए जितनी भी चीजें बताई जाएंगी वो एक एक तार्किक रूप से, और मैं बात करूं कि जो सच्चाई है उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे बैच नहीं बेचना है, है ना। आप लोग समझ रहे हैं, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था, देखिए एक सबसे बड़ा एक जो मामला फंसा हुआ है शिक्षा चयन आयोग का, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी हाल ही में ये न्यूज आपने देखी थी, इस पे मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, हालांकि ये विभाग ने जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उन्होंने डिलीट भी किया। ये सारी चीजें आपके बारे में पता है ना, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं कि कैसे हुआ। एक यहां पर उम्मीद थोड़ी सी दिखी थी, ठीक है, और जैसे ही उम्मीद दिखी, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, जैसे ही उम्मीद दिखी आपको तुरंत जो है ढेर सारे बैच मिले होंगे, है ना, और इसमें से कई सारे लोगों ने तो उसी 2 घंटे में बैच भी ले लिया होगा। तो थोड़ा सा जो है सावधानी बरतिए, ठीक है, बात करते हैं, चलिए उस पे हम लोग बात कर लेंगे कि जो है किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आपको कोचिंग करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, किस चीज पे कितना काम करना है, इसके बारे में हम लोग अलग से एक छोटी सी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि क्या चल रहा है। अभी सबसे पहली चीज ये है कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो नई वैकेंसीज आएंगी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, उसके लिए हम एक अलग से आयोग बना रहे हैं। अब वो सारी भर्तियां जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हैं वो कौन कराएगा, ये आयोग कराएगा, और आयोग का नाम शिक्षा सेवा चयन आयोग रखा जाएगा, ठीक है। तो वो प्रक्रिया जो है आपकी कब शुरू हुई, 2019 में शुरू हुई थी ये बात। 2019 से मामला शांत का शांत रहा, बीच बीच में थोड़ी बहुत आप लोगों को न्यूज सुनने को मिली होगी, लेकिन ये मामला शांत रहा। और अभी हाल ही में जो है ये कहा गया कि शिक्षा चयन आयोग के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनानी थी, कि मतलब ये होता है ड्राफ्ट कमेटी का मतलब ये है कि आयोग किस तरीके से बनेगा, आयोग का प्रारूप कैसा होगा, उसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। और ये कहा गया कि कमेटी 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। वो 5 दिन आपका कब होता है, 8 मई को ही 5 दिन वो पूरा हो जाता है, लेकिन उस समय चुनाव का जो है आचार संहिता, आप जान रहे हैं कि जो नगर निकाय चुनाव हो रहे थे तो उसकी आचार संहिता चल रही थी, इसलिए ये रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। उसके बाद अभी जो है क्या चल रहा है इसमें कि अभी आयोग ये ड्राफ्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है अब ये गवर्नमेंट के पास पहुंची कि नहीं पहुंची, अभी इसके बारे में भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आयोग गठित हुआ कि नहीं हुआ इस पर भी अभी किसी को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो जैसे ही आयोग का गठन होगा उसकी सूचना मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई कि आयोग का गठन, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि आयोग का गठन जब हो जाएगा तब उसके बाद आयोग के सामने कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्या है, देखिए यहां पर देखने को मिलेगा टीजीटी, उसके बाद एलटी ग्रेड की परीक्षा है, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यूपी टेट, ठीक है, क्या मिलेगा, यूपी टेट। अब यहां पर मैं अभी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सुपर टेट के बारे में, तो टीजीटी और एलटी को हम किनारे करते हैं। आयोग के सामने ये सारी चीजें अचानक से आ जाएंगी कि आयोग को ये सारे काम कराने हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर अगर बेसिक शिक्षा की हम लोग बात करें तो जैसे ही जो कमेटी है इसका गठन होगा तब आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा यूपी टेट, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि यूपी टेट कितने दिन में देखने को मिलेगा, तो
ये क्लियर इंफॉर्मेशन ना तो मेरे पास है ना तो किसी और के पास है, ये गवर्नमेंट ही आपको एकदम क्लियर बता सकती है या फिर कोई ऐसा अधिकारी जो अंदर इसी के बारे में काम कर रहा हो वही आपको बता सकता है। फिलहाल मुझे जहां तक जानकारी है कि इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर अनुमान तुक्का तो वैसे लगाना उचित नहीं है, लेकिन अगर मैं अनुमान लगाने की बात करूं तो अभी आयोग का गठन होगा, ठीक है। आयोग के गठन के बाद ऐसा थोड़ी ना है कि आयोग सीधे यूपी टेट पे ही कूद पड़ेगा। अगर ऐसा होता भी है तब भी आपके पास 3 महीने मिलेंगे, तो 3 से 4 महीने अभी भी आपके पास है किसके लिए, यूपी टीईटी के लिए, ठीक है। 3 से 4 महीने है। अब जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है और सीटेट में अच्छे नंबर आए हैं, क्या हुआ है, सीटेट आपने पास कर लिया है और अगर आपके सीटेट में अच्छे नंबर आए हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक मिनट, वेट, चलिए। हाँ, अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने सीटेट पास किया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आपका अगर सीटेट में अच्छा स्कोर है, मतलब 115-10 या इस तरीके से हम बात कर सकते हैं 110-15 से ऊपर है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपको ये लगता है कि अब की बार वाला सीटेट दें ना दें तो कोई समस्या नहीं आपको होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसके बाद आपको जब यूपी टेट देखने को मिलेगा तो आप उसको इसलिए दीजिएगा क्योंकि जो आपका सीटेट होता है स्कोर बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आपका स्कोर 115 या 120 के आसपास में उससे ऊपर है तो आप यूपी टेट के बारे में भी परेशान ना होइए, ठीक है। अब यहां पर लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि देखिए यहां पर बात 1/4 वाली जो आ गई थी कि 1/4 जो है जुड़ेगा यूपी टेट का या सीटेट का, तो इसलिए लोग परेशान हैं। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि आप लोग अपनी तैयारी जैसे भी कर रहे हैं अच्छे से करते जाइए और जब परीक्षा आएगी तो यूपी टेट को भी आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना स्कोर थोड़ा सा और सुधार लीजिएगा, स्कोर सुधर जाएगा तो 1/4 रहे या ना रहे, दोनों कंडीशन में आप कैसे रहेंगे, आप एकदम अच्छे से अपना परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात कि अभी जब आयोग गठित हो जाएगा तो उसके बाद आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको जाके सुपर टेट मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि तुरंत मिल रहा है कि कब मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आयोग का गठन, आयोग के गठन के बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो आयोग के गठन की प्रक्रिया तो चल रही है लेकिन कहां तक पहुंची है ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट के बारे में किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको कोई ये कहता है कि अगले 1-2 महीने में आती है वैकेंसी आ जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां पर कई सारी चीजें हैं, सबसे पहले तो जो अपना जान ही रहे हैं, संसद में रिपोर्ट सबमिट की गई थी कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो अभी जो है बराबर चल रहा है, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर इन लोगों को बच्चों ने ले जाके रिपोर्ट जो है खुद सारे कुछ जितने भी डाटा थे जो जिले के डाटा थे वो ले जाके इनको दिखाया शिक्षा मंत्री जी को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इस तरीके से तो वैकेंसीज मिल सकती हैं, है ना। तो ये एक उम्मीद तो है ही कि अभी शिक्षक छात्र अनुपात अगर देखा जाए तो बराबर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी इस पे आप लोगों को पूरा डाटा दिया हुआ है कि बराबर बिल्कुल भी नहीं है, देखा जाए तो अभी तमाम सारी वैकेंसीज जो है खाली पड़ी हुई है उनको भरना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज तो ये हो गई। इसके बाद ये कह रहे हैं सुपर टेट जब तक जितने भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग है उनको समाप्त करेंगे, उसके बाद हम जो है आगे वैकेंसी देंगे। तो ये सारी चीजें, कई सारी चीजें हैं जो बीच में एक रुकावट के तौर पे काम कर रही है, लेकिन अगर सरकार की मंशा होगी आपको वैकेंसी देने की तो ये रुकावटें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर बात कर सकते हैं कि अगले साल जो है चुनाव होने वाला है तो उसको देखते हुए वैकेंसी दी जा सकती है, वैकेंसी आने की संभावनाएं ज्यादा है, तो ये भी एक उम्मीद ही है क्योंकि अभी जो पिछला चुनाव हुआ है आपके यहां पर सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तो भैया उसमें भी यही चल रहा था ना कि चुनाव होने वाला है वैकेंसी एकदम मिल जाएगी, लेकिन हुआ क्या कि वैकेंसी नहीं आई, ठीक है। लेकिन अब यहां पर भी अगर बात करें तो 2023 में वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अगर मैं कहूं कि आ रही है तो आप लोग कहेंगे सर ये तो पिछले 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, तो यहां पर मैं कुछ क्लियर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि आप इसी ईयर के लास्ट तक का या फिर आप 2024 के स्टार्टिंग के 2 मंथ
ठीक है, ये जो है एक अनुमान ही है, एक तुक्का ही आप कह सकते हैं, जो कि लगाना सही तो नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज हो सकती है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि आपको वैकेंसी मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप क्या करेंगे, आपको अपनी तैयारी जो है धीरे 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 आगे बढ़ानी है। सबसे पहली चीज ये है कि कुछ बच्चों ने लिखा कि क्या सुपरटेट की तैयारी को हम लोग बंद कर दें। देखिए, कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो केवल सुपरटेट की ही तैयारी कर रहे होंगे, है ना, जो केवल शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो तैयारी बंद ना करें। ठीक है, तैयारी बंद इसलिए ना करें कि अगर आप जो है अभी इस इधर का जो है 1-2 साल आप देख रहे हैं, तो आगे के 40 साल आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपने तैयारी छोड़ दी, किसी और परीक्षा की तैयारी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे आप क्या करेंगे, नहीं समझ में आएगा। अगर देखिए, सुपर टेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी परीक्षा हो, उसकी तैयारी 1-2 महीने में नहीं हो पाती है। अगर आपसे कोई कहता है कि मैंने केवल 3 महीने पढ़ के पूरी तैयारी कर ली और सुपर टेट में टॉप कर दिया, तो वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है, सीधी सी बात ये होती है कि इस 3 महीने के पीछे जो है उसने जो 3 साल लगाया हुआ है, उस 3 साल के बारे में वो व्यक्ति आपसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तैयारी जो है 1-2 महीने में नहीं होती है। अब बात ये आ जाती है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो चुकी है सुपर टेट की, आपको 1 महीना मिल जाए, आप अच्छे से 120 नंबर सुपर टेट में ला सकते हैं, तो फिर आप किसी और चीज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी ऐसी नहीं हुई है कि आप अगले 2 महीने पढ़ाई करके 120 या उससे ऊपर ला सकते हैं, तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। अगर आज से आप अच्छे से तैयारी करना शुरू करें, तब भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 6 महीने लग जाएंगे सुपर टेट का सिलेबस कंप्लीट करने में और उसकी तैयारी अच्छी बनाने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तैयारी बंद करना कोई ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि बल्कि आप इसमें एक चेंज कर सकते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट को आप तैयार करें उसको इतने अच्छे से तैयार करें कि किसी अन्य परीक्षा में आप वनडे एग्जाम में बैठें तो आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, बाकी जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप क्या करिए, टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज एक एक करके उसको पढ़िए। आप एक टॉपिक लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, एक वीडियो उसकी देख लीजिए, किताब उठाइए उसको एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप उसका एक शॉर्ट नोट भी बना लीजिए। ठीक है, और शॉर्ट नोट बना के उसी को दोहराइए। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी 5-6 महीने में तैयारी एकदम बेहतर बन जाएगी, तो तैयारी छोड़ना कोई विकल्प नहीं है। मैंने भी जो है, देखिए मैं भी आपसे ये कहता हूं कि 6 महीने मैंने अच्छे से सुपरटेट के लिए पढ़ा था और अच्छे स्कोर आ गए थे, लेकिन केवल 6 महीने की ही तैयारी नहीं थी। 6 महीने तो मैंने केवल सुपरटेट के लिए पढ़ा था, है ना, उसके पहले जो जीएस वगैरह है और ये सारी चीजें हैं वो मैं नॉर्मली पढ़ता रहता था, किसी परीक्षा के लिए नहीं, बीटीसी कर रहा था उससे पहले मैं खुद से ही पढ़ता रहता था, है ना। तो इस 6 महीने के पीछे भी जो 1-2 साल की मेहनत थी वो भी तो उसमें आके शामिल हुई, तब जाके मेरे इतने अच्छे नंबर आए थे। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि आप चाहे 110 नंबर लाइए, 120 लाइए, 130 लाइए, ठीक है, बनेंगे तो आप प्राइमरी के मास्टर ही और सैलरी सबको बराबर मिलेगी। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ भी तमाम सारे लोग जो है सेलेक्ट हुए, टीचर बने, लेकिन आप मुझे क्यों जान रहे हैं। मेरे साथ 110 नंबर वाले भी टीचर बने और मैं भी टीचर बना, लेकिन आप मुझे इसलिए जान रहे हैं क्योंकि मेरे अच्छे नंबर आए थे, है ना, तो मायने ये रखता है। दूसरी चीज ये है ना कि आपका संशय जो है वो खत्म हो जाता है जब आपके अच्छे नंबर, आपकी तैयारी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपकी नौकरी आपके घर में आपको मिल जाएगी, और टीचर की नौकरी घर से जितना नजदीक हो उतना ही आरामदायक और बेहतर होती है, उतने अच्छे से आप काम कर सकते हैं। तो जितने लोगों को ये लगता है कि हम सीटेट सुपर टेट की तैयारी बंद कर दें, तो वो एक बार जो है अपने आप को एक बार झांकें कि उनकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, उसके बाद आप बंद करें। ठीक है, तो वैसे ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, अगर आप लोग और कुछ करना चाहते हैं तो उसके साथ में आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं कि आपका टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है, फिलहाल अभी इस पे कुछ काम नहीं हम कर पा रहे हैं,
तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चैनल के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, तो वहां पर टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए, इधर जो है छुट्टी चल रही है, मैं एक दो दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ जहां पर ये क्लास आपकी चलती है, फिर मुझे वापस घर जाना है, तो बीच में अब क्लासेस बंद इधर रहेंगी, लेकिन आपका जो दूसरा चैनल है, एक और चैनल है, बस एक ही है मेरा, एक ये स्टडीशाला, एक और चैनल है मेरे नाम से ही, उस पे आप लोगों को जानकारियां मिलती रहेंगी कि आप किस तरीके से कहाँ है, क्योंकि होता ये है कि जब ज्यादा दिन तक आप गायब हो जाइए तो ये लगने लगता है ना कि पढ़ाई अब बंद हो गई, कहाँ गए, क्या हुआ। फिलहाल आप लोगों से मुलाकात बराबर होती रहेगी, स्टडीशाला पर यहाँ आ जाएंगे तो स्टडीशाला पर रेगुलर मुलाकात होगी, और अगर बाहर हैं तो भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, ताकि हमारा आपका जो एक बॉन्ड है वो हमेशा बना रहे, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि आपको बिना परेशान हुए अपनी तैयारी करनी है, और यहाँ पर बैच बैच की बात होती है, लोग जैसे ही कुछ न्यूज आती है तो इमोशन से खेल के बैच बेचना और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं बात करूंगा कि आपको बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अगर करें सेल्फ स्टडी तो कैसे करें, तो इसके बारे में हम लोग एक वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है थोड़ा सा आप लोगों को संतुष्टि मिली होगी कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपका करियर है, थोड़ा सा आपको भी अपने करियर के बारे में सोचना रहेगा, ठीक है। सारी चीजें मैं बताऊंगा, मेरी बताई हुई चीजें हो सकता है किसी के लिए एकदम सटीक बैठती हो, लेकिन हो सकता है किसी के लिए ये उतनी सटीक ना बैठे, क्योंकि हर चीजें, हर किसी की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी परिस्थिति के हिसाब से आगे आपको काम करना है, बस एक काम नहीं करना है कि हम तैयारी बंद करके बैठ जाएं, ये नहीं करना है, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।